हर चीज का राखी ने मजाक बना के रखा है। मुसलमान खोम का, धर्म का, मेरा, मेरे फैमिली का। जो वापस शाबाश के साथ नया चैप्टर स्टार्ट, शाबाश को बुला रही हो, तीन तीन दिन उनके साथ एक घर में रह रही हो, अपने घर में, जिस घर में मैं रहता था। ये वीजा के एप्लीकेशन के सेकंड पेज में ये भी लिखा है कि राखी का रिलीजन हिंदू है, हिंदू रिलीजन रख के राखी सावंत उमरा गई है। और आज एक सऊदी गवर्नमेंट से हमने कॉल में बात भी करवाया, वो आपको मैं क्लिप देने वाला हूँ, प्लीज आप लोग उसको प्ले करवा लेना। राखी इसको एंड करना चाहती है, बिकॉज उनको तो पता है कोर्ट कचहरी जाऊंगी तो एक ना एक दिन मुझे केस था, सब कुछ मेरे हाथ धो के बैठना पड़ेगा। आदिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आज आपने हमें माया है, कुछ शॉकिंग रिवील, कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करने वाले हैं? बुलाया है इसलिए बिकॉज लास्ट इंटरव्यूज में आप लोग देख रहे थे, मैंने बार बार कह रहा था कि मीडिया ट्रायल हम खत्म करते हैं और हम जाके कोर्ट कचहरी में हम जाके अपनी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा राखी इसको एंड करना चाहती है, बिकॉज उनको तो पता है कोर्ट कचहरी जाऊंगी तो एक ना एक दिन मुझे केस था, सब कुछ मेरे हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो वो मुझे डिफेम करने के लिए रोज रोज नए ड्रामे, नए नए कैरेक्टर ला रही है, जो जिसको इस मुद्दे में आने की जरूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, वो आके नए नए लोग तवे पे उनकी रोटियां सेक रही है, सबको फेमस बनने का कीड़ा चढ़ा है। इस मुद्दे में मत बनो, आके दूसरी चीजों में फेमस बनो। या जैसे आज फेमस होना तो बहुत इजी है, आप जो भी करो, ट्रेन में घूम जाओ, वो करो, ये करो, रील्स बनाओ, ये करो, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आके क्या कर रहा है? आपको सपोर्ट कर रहा है तो न्याय के साथ सपोर्ट करो ना, और अच्छे लोगों को लाके जुड़ो। आप क्यों एक क्रिमिनल लोगों को, एक पैदाइशी क्रिमिनल लोगों को, 420 को, फ्रॉड्स को, चीटर्स को लाके जुड़ रहे हो? बट एंड ऑफ द डे वो उनका पेशा है। आज का मुद्दा सिर्फ सिंपल है, राखी सावंत सिर्फ मुझे ठगती थी, दैट वाज रियली ओके फॉर इट। और आज एक सऊदी गवर्नमेंट से हमने कॉल में बात भी करवाया, वो आपको मैं क्लिप देने वाला हूँ, प्लीज आप लोग उसको प्ले करवा लेना, सुनना कि क्या मुद्दा हुआ है। नंबर वन, राखी सावंत ये सब ये जो चीजें वो कर रही है ओनली बिकॉज वो छुपाने के लिए कि ये जो वीजा जो उमरा जाके आई है उस मुद्दे को कवर करने के लिए ड्रामा कर रही है। ये वीजा के एप्लीकेशन के सेकंड पेज में ये भी लिखा है कि राखी का रिलीजन हिंदू है, हिंदू रिलीजन रख के राखी सावंत उमरा गई है। उमरा जाके की क्या है, ना उसको एक दुआ आती है, ना उसको एक तस्बीह आती है, सिर्फ और सिर्फ राखी उधर रील्स बनाई है, फोटोज बनाई है, उसके बाद आने के बाद व्हाइट कलर का अबाया पहन के वो वापस आती है, दो दिन बाद अबाया उतर जाता है, बाल का स्टाइल बदल जाता है, उसके बाद रेड अबाया में आती है, कहती है मैं हर हमेशा अबाया में रहूंगी, और कहती है कोई मर्द मुझे छू नहीं सकता। और रिसेंटली एयरपोर्ट में देख सकते हो वो जिस तरीके से हक कर रही है, हक भी कर रही है, और वो अनाउंसमेंट भी दे रही है कि मेरे नए बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, मेरे नए नए हस्बैंड आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा है ये है मेरा नया हीरो, आपको चाहिए तो मैं वीडियो दिखा भी दूंगा। हर चीज का राखी ने मजाक बना के रखा है, मुसलमान खोम का, धर्म का, मेरा, मेरे फैमिली का। राखी को किसने ये अधिकार दिया है कि आप ये करो? आपको कोई नहीं देता, आपकी जो मर्जी है, आप किसी के साथ भी रहो, किसी के साथ भी भुक्का पहुंचो, जो भी आप कर लो, हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट मेरा जवाब, जो आपने मेरे साथ किया, आप मुझे छुपाने के लिए आप नए नए ड्रामास आप नहीं कर सकती हो राखी, विच इज नॉट करेक्ट। उनके इंस्टाग्राम में भी झूठे झूठे एडिट करके पोस्ट डाल रही है कि आदिल को बिग बॉस जाना है, आप तो खुलेआम अनाउंसमेंट कर रही है मीट माई न्यू हीरो, ये बिग बॉस कैंडिडेट है, ये बहुत अच्छा है, आपके ड्रामे वापस स्टार्ट। मेरे मुद्दे चल रहे हैं ऑलरेडी, आपका लक्की के साथ हुकअप हो गया, अफेयर चल गया, उनके साथ अभी ब्रेकअप भी हो गया, अब वापस शाबाश के साथ नया चैप्टर स्टार्ट, शाबाश को बुला रही हो, तीन तीन दिन उनके साथ एक घर में रह रही हो, अपने घर में, जिस घर में मैं रहता था उस घर में वो भी रह रहे हैं आज की डेट में, कर क्या रही हो आप इतनी फास्ट हो गई हो क्या कि क्यों आपको कोई पूछने वाला नहीं है? ठीक है, पूछने वाला नहीं है, आपका पर्सनल मामला है। इस्लाम होम के साथ आपने क्या किया, क्यों आपने झूठे सर्टिफिकेट बना के आप क्यों गई उमरा, नंबर वन। नंबर टू, उधर जाके सिर्फ रील्स फोटोग्राफी, आप एक रील्स बनाने वाले को लेके जा रही हो, आप रील्स बना रही हो। जिंदगी में मजाक करना ठीक है, ये क्या मजाक बना के रखा है यार, इस्लाम का मजाक बना के रखा है, मेरा मजाक बना के रखा है, हर छोटी सी छोटी चीज का मजाक बना के रखा है इस राखी ने। नहीं, न्यू फ्रेंड नहीं कहा राखी ने, आप थोड़ा, मैं आपको मीडिया वालों से बार बार यही कहता हूं, तो एक तो आप थोड़ा स्मार्ट हो जाइए ये सब करने के लिए, वरना छोड़ दीजिए कवर करना, मुझे भी छोड़, सबसे पहले मुझे छोड़िए,
उसके बाद राखी को भी छोड़ दीजिए। देखिए आप लोग जाके कवर करते हो, आप देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? राखी ने ये कभी भी नहीं कहा न्यू फ्रेंड, राखी ने कहा मीट माय न्यू हीरो, ये थे शब्द राखी के। जो ये शब्द सेम यूज हुए थे वाई नॉट फिटनेस के नीचे, जब फर्स्ट दिन मैं मुंबई में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने ब्लैक कलर का जैकेट पहना, सॉरी ब्लैक कलर का मैंने एक टी शर्ट पहना था और हम जिम जा रहे थे। इफ यू गाइज रिमेम्बर मीट माई न्यू हीरो, सेम वर्ड्स थे राखी के। आज जो एयरपोर्ट में उनको भी इंट्रोड्यूस करवा रही है, और कट कॉपी पेस्ट मेरी जो पिक्चर चली ना, लिख के रख लो आज की डेट में यही होने वाला है नेक्स्ट। जो इंसान को मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में मैं मुद्दा क्या ही बनाऊ? मेरा देखो, मेरा बचपन का दोस्त है, हाँ मैं जानता था, हाँ मैं करता था, सिंपल लाइन में बोल रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं उस इंसान को। हाँ एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, थोड़ा एक दो बार जान पहचान है, मैं जानता ही नहीं उनको। उनको आना है, राखी को नया बॉयफ्रेंड चाहिए, राखी को नया अफेयर चाहिए, राखी का बिग बॉस आ रहा है, नई कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, वो जाना चाहती है बिग बॉस के अंदर। उनके लिए देखो हर बिग बॉस से पहले यही होता है, राखी के नए ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं, हर एक चीज साथ में हो जाते हैं। देखो रियलिटी शो में कितने दिन आप ड्रामा कर सकते हो? 8 दिन 10 दिन। राखी की असलियत बहुत जल्द बाहर आएगी अगर वो इस साल जाती है तो। उनकी असलियत तो बहुत जल्दी बाहर आएगी। देखो इस बार मैंने आके मुद्दे रखे हैं, यही राखी के ड्रामे अभी नए नए एलिगेशन लगा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है मैं उमरा का मुद्दा उठाऊंगा। जो मैंने आज उठाया, सबसे पहले मुझे उमरा का पूरी कौम से मैं सवाल कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ जुड़िए और सवाल कीजिए। राखी ने पूरे उमरा का मजाक बना के राखी सावंत गई है उमरा पे।